इन्वर्स इनोवेटिव फंक्शंस डिफिकल्ट लगता है या इसके प्रॉब्लम्स आपसे नहीं होते हैं या ये समझ में नहीं आ रहा इसे मास्टर कैसे करेंगे। इन नेक्स्ट 5 मिनट्स आई विल टेल यू हाउ एग्जैक्टली टू मास्टर इन्वर्स इनोवेटिव फंक्शंस। ग्रीटिंग्स ऑल, हाय, आई एम शिवाल कथे, एन आईटी दिल्ली ग्रेड विद ओवर 10 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन टू आईटीजी मैथमेटिक्स एंड अ मेंटर टू हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स। वेलकम टू हाउ टू मास्टर सीरीज। दिस सीरीज इज मेंट फॉर दोज आईटीजी एस्पिरेंट्स जिन्होंने ऑनलाइन मीडियम, ऑफलाइन मीडियम या सिर्फ यूट्यूब वीडियोस को देख के चैप्टर तो पढ़ लिया है, लेकिन चैप्टर का ओवरव्यू, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे मास्टर करना है, कितने क्वेश्चन जेई में पूछे जाते हैं और क्या रेफरेंस बुक्स पढ़नी चाहिए, ये उनको नहीं पता है। सो वी स्टार्ट विद फर्स्ट कनेक्टिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स, ऑल द आइडियाज यूजिंग अ माइंड मैप। देन वी मूव ऑन टू द की कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस चैप्टर जिनको मास्टर करके चैप्टर पे ग्रिप बनाई जा सकती है। देन वी सी द एरियाज जिन पे आईटीजी क्वेश्चन पूछता है और कितने क्वेश्चन पूछता है मेंस और एडवांस के अंदर। एंड वी एंड दिस चैप्टर विद द आइडिया दैट कि क्या रेफरेंस बुक्स होनी चाहिए जो हमको रेफर करनी चाहिए इस चैप्टर को क्लियर करने के लिए। सो लेट्स डाइव डीप इनटू इट। डिस्कशन ऑन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट्स विद इट्स बेसिक्स। तो बेसिक्स में हम देखते हैं कि जो बेसिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी प्रिंसिपल ब्रांच क्या होगी, डोमेन रेंज क्या होंगे और उनके ग्राफ्स कैसे दिखाई देंगे। फिर हम देखते हैं उनकी प्रॉपर्टीज, तो कंपोजिशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज जैसे एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स एंड एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स। देन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड निगेटिव अगर अंदर रहे माइनस एक्स तो उसको हम बाहर कैसे लेके आएंगे वो प्रॉपर्टीज। देन वी मूव अवर डिस्कशन टूवर्ड्स प्रॉपर्टीज इन्वॉल्विंग 1/x एंड देन सम एंड डिफरेंस ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड अल्टीमेटली द इंटरकन्वर्जन कॉन्सेप्ट। वी फर्दर अवर डिस्कशन विद सिंप्लीफाइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसके अंदर हम देखते हैं इनका इंटरप्रिटेशन और इनके ग्राफ्स। देन वी मूव अवर डिस्कशन टूवर्ड्स इक्वेशंस के अंदर बाउंड्री कंडीशन पे बेस्ड क्वेश्चन एंड हाउ कैन वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोजिशन टू सिंप्लीफाई क्वेश्चंस ऑफ इक्वेशंस। फिर हम देखते हैं इन इक्वेशंस और प्रॉपर्टीज को यूज करके इन इक्वेशंस के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। एंड वी एंड अवर डिस्कशन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ समेशन, और समेशन में हम देखते हैं कि टैन से रिलेटेड, साइन इनवर्स से रिलेटेड और कॉस इनवर्स से रिलेटेड सीरीज अगर हमारे पास हो तो उसका समेशन हम कैसे करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल चैप्टर्स ऑफ आईटीजी सिलेबस। टेक्निकल क्यों? क्योंकि जब इसके अंदर हम प्रॉपर्टीज देखते हैं तो हर प्रॉपर्टीज की कई ब्रांचेस हो जाती हैं, मतलब एवरीथिंग इज कंटेक्चुअल इन नेचर। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है या तो हमारी याददाश्त बहुत अच्छी और हमें सारे केसेस याद रहे या फिर हम सही सब्स्टिट्यूशन पुट करके उसको सही कंटेक्स्ट में सही तरह से इंटरप्रेट करना। सो आई थिंक इंटरप्रिटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल टू पजल्स इन दिस चैप्टर। और उसे हॉर्न कैसे किया जा सकता है, उसको हॉर्न करने के लिए आपको डेरिवेशन करनी चाहिए। डेरिवेशन के अंदर आप खुद डेरिवेशन करने की कोशिश करो, उसमें सब्स्टिट्यूशन पुट करो, उसे इंटरप्रेट करो, फिर देखो कि क्वेश्चन ने कैसे किया था। नाउ अगर इस इंटरप्रिटेशन की स्किल को आप बहुत अच्छे से मास्टर कर लेते हो, साथ में ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन को लगाते हो, तो सिंप्लीफाइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जैसे क्वेश्चन आपके लिए सिंपल हो जाएंगे कर पाना। नाउ एज फार एज इंपॉर्टेंट एरियाज आर कंसर्न एंड द टेक्निक टू सॉल्व देम, तो सबसे पहले इक्वेशन उठाते हैं, इक्वेशन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। नाउ इक्वेशन के क्वेश्चन के अंदर ये ध्यान रखने की जरूरत है कि आप कंपोजिट फंक्शन का बड़े इजीली यूज कर सकते हैं। तो सपोजली वी हैव लाइक tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग, सो इट विल ऑलवेज मेक सेंस टू टेक tan ऑफ LHS एज वेल एज RHS। तो दोनों का tan ले लूं तो क्या बन जाएगा, tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला। अब इसको सॉल्व करना आसान है क्योंकि अल्टीमेटली जब मैं फाइनली इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास बनेगा tan ऑफ tan इनवर्स x, और इसका इंटरप्रेट करना बहुत सिंपल है। अगर मेरे पास इन इक्वेशन का क्वेश्चन है तो मैं कंपोजिट फंक्शन का आइडिया नहीं यूज कर सकता। अब मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग ब्रांचेस आई शुड चूज दोज प्रॉपर्टीज जिसके अंदर ब्रांचेस नहीं बनती। जैसे अगर मेरे पास ऐसा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस 1, सो व्हाट आई विल डू इज इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग फार्मूला फॉर सम आई विल ट्रांसफॉर्म वन ऑफ द टर्म्स ऑन द अदर साइड। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स x। अब देखो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x प्लस 1 के लिए जो फॉर्मूला है उसकी कोई ब्रांचेस नहीं है और एक क्वेश्चन सॉल्व करना सिंपल हो गया। सो वी शुड ऑलवेज चूज दोज फार्मूलाज, चूज दोज टेक्निक जिसके अंदर कम ब्रांचेस है और हमें बहुत सारे रिजल्ट ना याद रखने पड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। Supposedly, now there is a question based on summation. तो summation का question is nothing but a question based on method of differences. अब तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा कि properties के अंदर जब हमने transformation formulas पढ़े थे तो कब terms split करते हैं, और split करते हैं subtraction के form में। तो tan inverse x minus tan inverse y वाला formula important हो गया, sin inverse x minus sin inverse y वाला formula important हो गया। Similarly, cos के अंदर, cos inverse के अंदर addition वाला formula important हो गया क्योंकि उसके अंदर signs opposite होते हैं।
तो अगर हम इन बातों का ध्यान रखें तो मेथड ऑफ डिफरेंसेस इजीली अप्लाई कर पाएंगे और डेफिनेटली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मास्टर कर पाएंगे। हम देखें तो जेईई ने मेंस में लगभग एक क्वेश्चन, एडवांस में लगभग एक क्वेश्चन ओवर द इयर्स इन टॉपिक्स के अंदर पूछा है। एज फार एज रेफरेंस बुक ऑफ दिस टॉपिक्स आर कंसर्न, सेनगेज ट्रिग्नोमेट्री इज अ वेरी गुड बुक टू मास्टर दिस टॉपिक, बट इफ यू हैव समथिंग थ्योरेटिकल टू चेक, तो उस थ्योरी को चेक करने के लिए एसएल लोनी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज अ वेरी गुड। So at Pragbi we have developed this free video resource, a curated content from YouTube. YouTube पे बहुत सारे lectures हैं, कई तरह के lectures हैं, लेकिन किसमें sufficient content है और present करने का तरीका अच्छा है, उसके curated content आपको www.pragbi.com पे मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके refer करके इसे self study करके भी ये topic prepare कर सकते हैं। If you still think कि आपके पास और बहुत सारे सवाल हैं जिनको आपको पूछना है, जिनको आपको discuss करना है और बहुत बारीक बारीक questions आप पूछना चाहते हैं teachers से, so book a free one-on-one doubt session or mentorship session at www.pragbi.com and get connected with us. The first session is completely free for you guys. Thank you.